नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, कुछ गरम गरम और क्रिस्प खाने का मन करता है। तो आज बहुत ही हेल्दी स्नैक की रेसिपी मैं बताऊंगी और झटपट बन जाती है ये, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आज हम बेबी कॉर्न के क्रिस्पी पकौड़े बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये बेबी कॉर्न लिए हैं और इनको आप बीच में कट लगा करके काट लीजिए। और आप चाहें तो इन्हें साबुत भी बना सकते हैं या दो पीस कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी शेप चाहिए आपको। तो मैंने इस तरह से काट लिया इन्हें। तो देखिए, इसके लिए हम पानी लेंगे और उसमें नमक डालेंगे, और जब पानी बॉईल हो जाएगा तो बॉईल होते हुए पानी में बेबी कॉर्न डाल देंगे। तो ध्यान रखिए, बॉईल होने के बाद ही हमें बेबी कॉर्न उसमें डालना है। थोड़ा सा सॉल्ट डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे सिर्फ हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। और मैंने देखिए 4 मिनट में गैस बंद कर दी है और ये बहुत हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इतना ही इन्हें पकाएं, और इस तरह से पानी निकालते हुए हम इन्हें छान लेंगे। अब देखिए, ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये आपको कोटिंग ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए कॉर्नफ्लोर के, उसके अकॉर्डिंग आप कॉर्नफ्लोर डालें। 3 से 4 चम्मच में अच्छे से कोट हो जाएंगे। और मसालों में थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे और बहुत हल्की सी काली मिर्च लेंगे। तो सिर्फ 3 मसालों से ये हमारे कॉर्न बनेंगे, और इन्हें हम अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ कॉर्नफ्लोर और डाल लें। तो ये मिल गए हैं अच्छे से। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे और एक एक करके इन्हें डाल देंगे। एक साथ डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाते हैं कॉर्नफ्लोर के कारण, तो आप थोड़ा थोड़ा डालें। और मीडियम फ्लेम हमें रखनी है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल को ये सोक नहीं करते हैं और बहुत जल्दी ही बन जाते हैं। तो 5 मिनट में ही बहुत अच्छे क्रिस्पी बेबी कॉर्न हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और इसी तरह से हम सारे कॉर्न को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, कितनी जल्दी हमारी डिश तैयार हो गई है। तो इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे, आप चाहें तो थोड़ा नींबू भी डालें। तो ये टेस्टी से बेबी कॉर्न के पकौड़े तैयार हैं, बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत टेस्टी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।